दोस्तों ये कहानी एक ऐसा जापानी स्कूल की है जहाँ पर स्कूल के सारे लड़के और लड़कियाँ बटाबट 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 करते करते ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। मुझे तो लगता है इनके घी में ही ज़ॉम्बीज की पावर है। ज़ॉम्बीज बनने के बाद तो ये सबको रगड़ देते हैं, चाहे मैडम हो या स्कूल का कोई भी ठरकी बच्चा। तो चलिए देखते हैं स्कूल में आगे क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत इसी जापानी स्कूल से होती है जहाँ कुछ लड़कियाँ मुठ मारने की बात पर हंस रही होती हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चुचन होता है। जब ये अपने क्रश यानी आशिक को देखती है तो भाई साहब इसमें कौन सा नशा चढ़ता है कि ये नीचे गिर जाती है। इसके बाद ये स्कूल की क्लिनिक में जाके अपनी पट्टा पट्टी करवाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि चुचन का यहाँ पर रोज का आना जाना है, यानी चुचन ये कांड रोज करती है, मतलब अपने क्रश को देख कर रोज गिर जाती है। वहीं हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम लुच्चन है। स्कूल के बाद सभी बालक घर जा रहे होते हैं कि तभी चुचन को अपना क्रश फिर से दिख जाता है और ये फिर से गिर जाती है। ले भैया ओम फो, प्यार में तो मैंने अंधा सुना था लेकिन मेरे भाई आज मैंने गिरने वाला भी देख लिया, तो एक लाइन याद रखना, प्यार एक धोखा है, सबने तुझे धोखा है। वहीं चुचन घर जाते वक्त अपने क्रश से बात करके बहुत खुश होती है। अगले दिन चुचन ये सारी बातें जाकर स्कूल के डॉक्टर को बताने आती है। ये स्कूल की टीचर है बट यहाँ पर डॉक्टर का भी काम करती है। चुचन उसे अपनी कल की बात बताती है। वहीं पर छुपी लुच्चन फिर से इन दोनों की बातें सुन लेती है और उससे कहती है तुम्हें अपने प्यार का इजहार अपने क्रश से कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लूली नाम की लड़की आती है जो डॉक्टर को अपने साथ चलने को कहती है। अब ये तीनों लड़कियाँ और डॉक्टर साथ में ऊपर जाती हैं और अपना टाइम बिताती हैं, खाती पीती हैं और ये स्कूल की छत पर ओनियन भी उगाया करती थी। इसके बाद लुच्चन ओनियन को ले जाके अपनी क्लासमेट्स को दिखाती है, जिसे ऐसा करते हुए लुच्चन और लूली देख रही होती है। फिर वो लुच्चन को वापस अपने साथ चलने को कहती है। जब लुच्चन उनकी तरफ देखती है तो हम देखते हैं कि पूरी क्लास में कोई भी नहीं है, बस वहाँ पर खून ही खून लगा होता है, जिससे हमें साफ समझ आता है कि लुच्चन अभी तक जो देख रही थी वो बस उसकी इमेजिनेशन थी, यानी भ्रम। अब हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सभी लड़के और लड़कियाँ ज़ॉम्बीज बन चुके थे और सबको रगड़ देते हैं। पर ऐसा कैसे हो गया, ये ज़ॉम्बीज कैसे बन गए, वो आपको आगे पता चलेगा। भटाभट 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 जो लीगेंड है वो तो समझ गया होगा। अब यहाँ पर चुचन और लूली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता, इसीलिए वो दोनों स्कूल मैप को देखकर कैफेटेरिया जाने का डिसाइड करती है जहाँ पर दबा के खाना होता है। वहीं जाने से पहले वो दोनों लुच्चन को देखती है जो कि मौज में क्लास में सभी स्टूडेंट के साथ हंस रही होती है जबकि क्लास में कोई भी नहीं होता। अब ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लूली एक गेट को खोलती है जहाँ पर बहुत सारे मुठ मारने वाले ज़ॉम्बीज थे। तभी एक ज़ॉम्बी झटके में बोलता है मेरी मुठ मार दे लैला, जिससे वो डर जाती है। इसके बाद ये दोनों कुछ बॉल को फेंक कर उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उन्हें एक ठरकी ज़ॉम्बी दिख जाता है जो कहता है एक बार हाथ में तो आ जा, मैं तेरे साथ बटाबट 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 करूंगा। लेकिन ये दोनों कहीं और छिप जाती है जिससे ये बच जाती है। तभी एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, वो भी बटाबट 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 करने के लिए चढ़ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर पहला वाला ज़ॉम्बी भी लूली से बटाबट 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 करने आ जाता है, जिसे देखकर लूली इसमें भर भर के मारती है। लेकिन इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको लेना देना है बस। लेकिन वही चुचन दूसरे ज़ॉम्बीज को मारकर लूली के पास आकर उसे उस ठरकी ज़ॉम्बीज से बचा लेती है। अब ये दोनों फाइनली कैफेटेरिया में पहुंच जाती है। वहीं उन्हें एक और लड़की मिलती है जिसका नाम मिनी है। इसके बाद वो उसे ऊपर लाकर उसे चेक करती है कि कहीं ये भी तो ज़ॉम्बीज नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और ये लोग इसे भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। मिनी इन लोगों को देखकर काफी शॉक्ड होती है क्योंकि स्कूल में सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे और ये लोग हैप्पी होकर खा रही होती है और खेल रही होती है, जो बात मिनी को जरा भी पसंद नहीं आती। फिर मिनी यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो क्लास में जाकर अपना सारा सामान इकट्ठा करती है लेकिन तभी चुचन उसे पकड़ लेती है। वो कहती है झोपड़ी की तू यहाँ से नहीं जा सकती, स्कूल के चारों तरफ तेरे ज़ॉम्बीज पापा बैठे हैं, तेरी धर के ले लेंगे, पता है ना तुझे, फिर कैसे भाग रही है, हमारे साथ ही रह ले वरना तू भी भटाभट भटाभट हो जाएगी। मिनी चुचन से कहती है तुम सब यहाँ पर गलत वेट कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ पर कोई नहीं बचाने आने वाला, एक दिन खाना खत्म हो जाएगा और तुम सब क्या बोल जाओगे। इसके बाद चुचन मिनी को पास के भाई बात बताती है जहाँ से स्कूल में सब ज़ॉम्बीज बन गए थे। वहीं छत पर सभी लड़कियाँ उन्हें उगा रही होती है, तभी उनको नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है भागो भागो भटाभट 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 ज़ॉम्बीज आ गए हैं। जहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज का अटैक हो गया है, जो एक दूसरे को भटाभट 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 करके और काट कर ज़ॉम्बीज बना रहे होते हैं। जहाँ चुचन पूरी तरह से डर जाती है, वहीं चुचन का से भागते हुए कहता है भाग चुचन भाग, वो उसे भागते हुए ऊपर ले जाता है। वहीं से भागते हुए एक लड़की आती है जो कि चुचन की फ्रेंड होती है, वो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन चुकी थी और वो चुचन को काटने वाली होती है कि तभी उसका क्रश अपना हाथ बीच में ला देता है, जिससे वो लड़की उसे काट लेती है। अब जैसे तैसे करके चुचन से छप्पल लाती है, जहाँ सारे ज़ॉम्बीज चुचन से भटाभट 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 करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर गेट को बंद कर देती है। वहीं लुच्चन चुचन को अपने आशिक से दूर रहने को कहती है क्योंकि वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन गया था। वो चुचन को अपने से दूर रहने को कहता है और साथ ही में वो अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं अभी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अब क्या फायदा, ये पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है। जहाँ ना चाहते हुए भी चुचन को उसे मारना पड़ता है, जिसे देखकर लुच्चन पागल हो जाती है, इसीलिए उसको उल्टा पुल्टा दिखता था। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ लूली इसे बताती है कि तभी से हमने ये क्लब बनाया जिसमें हम खुशी खुशी रहते हैं। मिनी कहती है तुम लोग जल्दी मरोगे। अगले दिन वो स्कूल से अकेले भागने का प्लान करती है। वो पूरे स्कूल के स्पीकर को ऑन करके उनमें गाने चला के ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका के जा रही होती है, लेकिन तभी लुच्चन उसे रोक
रोक लेती है, लेकिन मैंने उसकी बात न मानकर एक कार के पास पहुंच जाती है, लेकिन सारी की सारी कार लॉक होती है और उसकी चाबी प्रिंसिपल रूम में होती है। दूसरी तरफ चुच्चन और लूरी जब ये आवाज सुनती है तो वो ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर स्पीकर को बंद कर देती है। वही बाहर उन दोनों पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं जिससे वो पूरी तरह से डर जाते हैं। वही सही टाइम पर आकर चुच्चन उन दोनों को बचा लेती है। इसके बाद मिनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से ये सब खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन चुच्चन उसे मोटिवेट करती है जिससे इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। मिनी अब चुच्चन से भी दोस्ती कर लेती है और फिर ये ज़ॉम्बीज को मारते मारते फूड स्टोर रूम में चले जाते हैं जहाँ पर दबा के खाना स्टोर होता है और इन्हें यहाँ पर खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि यहाँ भी ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ वो कैसे भी करके खुद को बचाती है और अब इन लोगों को यहाँ पर अच्छा लगने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सभी घुल मिल जाते हैं। एक रात उनमें से एक पागल ज़ॉम्बीज के हाथ में एक लाइटर लग जाता है जो पूरे स्कूल में आग लगा देता है। अब सारे यहाँ पर अलग अलग भागने लगते हैं, जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज जल के कैब उड़ गए थे और कुछ इनके पीछे पड़ जाते हैं। वही चुच्चन भागकर छत पर जाती है जहाँ पर उसको ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब चुच्चन के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो ये इन ज़ॉम्बीज के साथ बटाबट करके ज़ॉम्बीज बन जाए या फिर छत से कूद के भाग जाए। चुच्चन उनको मारते मारते छत से कूद के भाग जाती है। वो सीधा भागते हुए लूरी और मिनी के पास जाती है। यहाँ पर जली हुई बॉडी को देखकर चुच्चन को लगता है कि वो दोनों भी तय बोल गई हैं, लेकिन तभी उसे इन दोनों की ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आवाज आती है। वहीं चुच्चन जाकर उनकी हेल्प करती है और उन्हें बचा लेती है। अब ये सब मिलकर चुच्चन को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि लुच्चन बेहोश पड़ी है और वहीं डॉक्टर एक रूम में जा रही होती है। जब ये सभी उसी रूम में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर शुरुआत में ही ज़ॉम्बीज बन गई थी। जिस दिन ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था उसी दिन डॉक्टर ज़ॉम्बीज बन गई थी। जिस दिन ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था उसी दिन सब इसी रूम में आए थे और लुच्चन को बचाने के लिए डॉक्टर ने खुद को ज़ॉम्बीज से कटवा लिया था। और अभी तक जो भी हमने देखा वो सब लुच्चन की इमेजिनेशन थी, मतलब कि इनके साथ कोई भी डॉक्टर नहीं रहा करती थी और ये सारी बातें लुच्चन सोचा करती थी। वहीं चुच्चन डॉक्टर के रूम में जाकर डॉक्टर को मार देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर भी उन पर अटैक कर दे, और ऐसा करके वो बहुत रोती है। और ये सब सीन देखकर लुच्चन भी सही हो जाती है और वो बहुत रोती है क्योंकि उसे भी सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज जलकर मर गए हैं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया है, जहाँ इनका खाना भी जल गया है और पानी की पाइपलाइन भी खराब हो चुकी है, मतलब कि अब यहाँ पर सर्वाइव करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए अब ये सभी यहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन वो स्कूल से जाने से पहले खुद को ग्रेजुएट करना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर एक सेरेमनी रखी जाती है और यहाँ पर ये लोग सब कुछ याद करते हैं कि कैसे इन लोगों ने एक दूसरे को संभाला, साथ रही और अभी तक यहाँ पर एक दूसरे के साथ सर्वाइव करती रही। फिर ये अपनी कार निकालती है और उन्हें अपनी जरूरतों का सामान रखती है। फिर ये सारी लड़कियाँ स्कूल की तरफ देखती है और पूरे स्कूल को गुड बाय करती है और यहाँ से निकल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पूरा शहर तहस नहस हो चुका है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।